देखिए हम लोग नहा के निकल चुके हैं। कमलेश भैया दानपुर कुंड का कार्य कर रहे हैं और हमारे जो निर्मोही कॉमेडी जंक्शन के मालिक साहब हैं वो भी दान पुण्य कर रहे हैं, माता रानी की मनोकामना को पूर्ण करें। और ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है हमारे समाज को। और कमलेश भैया भी हैं जिनकी निगरानी में हम लोग आए हुए हैं और उनकी सदैव कृपा रहती है हम लोगों पे। तो देखिए आइए और भी चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ आने का आनंद कुछ और है, पूरा माहौल ही भक्तिमय हो जाता है। बड़े भैया हैं, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करेंगे। हमारा मकसद ये है कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे हर काम को आप लोग सराहते हैं। छोटी मोटी जो भी चीज़ें रहती हैं, हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, वो आप सबके बीच में पहुंचना बहुत उत्तम है। इसलिए हम लोग जो भी करते हैं आप लोगों को अवश्य बताते हैं, और क्यों ना बताएं, क्योंकि आप लोग ही हमारे भगवान हैं। आप लोगों की वजह से सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो देखिए हमारे बड़े भैया कमलेश सोनी के पिताश्री हैं, पिताश्री हैं, और ये भी जा रहे हैं इनके अगुवाई में हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने भैया जी का। पिताजी ही लिए होकर जा रहे हैं सभी लोगों को। तो हम लोग साथ ले लिए हैं, अब चलेंगे। प्रसाद ले लिए हैं, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करेंगे। और फिर जहाँ तक वीडियो संभव हो सकेगा आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि हर जगह जो ट्रस्ट होते हैं वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो हम लोग एक घंटे खड़े होने के बावजूद भी अभी पहुंच नहीं पाए वहां पे दर्शन करने के लिए, और फिर भी लगे हुए हैं और जा रहे हैं। और महाशय पीछे गए नहीं है, निश्चित नहीं है।
देखिए शीतला तो खड़े इतनी ज्यादा चलिए फिर ना कार चला फिर ना बड़ा अच्छा लगा सजमा फिर आया आरती करे और हम मजबूर थे दिखा नहीं पाए आप लोगों को और माँ का दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए मजा आ गया और बहुत मजा आया दर्शन करने माता जी का तो एकदम खास पास हुआ दिल खुश हो गया। चलो ठीक है फिर मिलते हैं कुछ देर बाद आप चलो जा भोलेनाथ ए बाबा जी ते मैं होने लगे बाबा जी मोर बाबा जी ए दक्षिणा बढ़ावा यार बाबा जी के हां चलो हे बाबा जी दे हम तो दे थे बाबा जी हां पांख को ने क्या बाकी गया वो फेंक दे थे भाई दो रुपया में तू दर्शन करवा रहे हो गर्दन में माला पहन रहा अपन काम कर रहा भैया भले था तब हमार का नहीं आओ गुरु आओ तो हर एकदम साफ आओ तब सब जान लीजिए इतना लौंडक भी तुम्हें सब जवान दिखाता है भैया हम लोग चाटत है मलाई चाटत है याद भैया कहियो साल पुरानी बात याद आई बचपना बचपना जब हमसे नींद नहीं रहे गेहूं बाल बिन बिन खात चाटत रहे रखे रहे भैया कुका बिन बिन चार वाले चार दे दे काका सही कहा था ना अभी देखा कि ना मिलते बहुत दिन बाद कई साल बाद खाते वास्ता और हम जल्दी थोड़ा सा बाबूजी ने चवन्नी दें तब ये मिलत रहा 5 रुपये मिलत अठन्नी चवन्नी के और हम लोग खाबो ना के भाई गला वाला को जैसे जान भाई हो बड़ा मजा आवे लेकिन आज आनंद ले थे और ये गुरु गुरु तू चाटा देख गुरु से चाटा हां राजा आइया चला चला अच्छा असल में गुरु बहुत चाटे मन करत हो ना अच्छा उठार दे है ना आज आपको सब खैर कोनो बात नहीं वाला लड़की वाली आठाना वाली अब तो 5 रुपये मिले लगे तो भैया अभी हम लोग दर्शन किए माता रानी का वहाँ से निकले उसके बाद थोड़ा सा आराम किए कुछ खा के भैया रानी वहाँ से खा के खाना वाना थोड़ा सा आराम किए एक डेढ़ घंटे उसके बाद फिर निकल चुके हैं बाबा भैरवनाथ का दर्शन करने हम और कमलेश भैया हैं संजय निर्मोही भैया आगे हैं कहीं पे और ऐसी मान्यता है कि माता रानी का दर्शन करने के बाद बाबा का दर्शन अवश्य करना चाहिए यहाँ भी और माँ वैष्णो जम्मू कश्मीर में भी तो हम लोग जब आए हैं तो एक दो दिन के लिए समय निकाल के तो चल रहे हैं दर्शन करेंगे दोनों लोगों का माता रानी का हो गया है और फिर बाबा भैरवनाथ का करेंगे फिर सुबह में उठे आगे हम लोग फिर माता रानी का दर्शन करके उसके बाद यहाँ से फिर विदा लेंगे घर के लिए और चलिए आप लोग देख ही रहे हैं इस प्रकार से भीड़ है और इस प्रकार से लोग चलिए बहुत ही सुपर मौसम इसमें हो गया और मौसम जब तक हम आए थे तो बड़ा गर्म और हम लोगों ने जबरदस्ती बुलाया भगवान को और उनको आना ही पड़ा गर्म गर्म मिजाज का मौसम था लेकिन इसमें क्या है कि बहुत तगड़ा हवा चल रही है उसके बाद एक और चीज़ है कि बादल घेरे हैं और उम्मीद है कि पानी ज़रूर बरसेगा और बरसेगा क्यों नहीं काफ़ी लोग परेशान हैं पानी की वजह से क्योंकि पानी नहीं बरसता है तो चलिए बारी बारी से हर चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को और आए हैं तो फिर कहाँ आइए और कुछ दिखाते हैं मज़ा वाली चीज़ दिखाते हैं आप तो आइए एक चीज़ और मज़े की बात दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या है अलाउड नहीं वीडियो बना लेकिन फिर भी हम लोगों को दिखाते हैं यहाँ से थोड़ा सा बैक कैमरे से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है दर्शन हो गया वहाँ पर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी इसलिए हम आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए वही सब सिस्टम था भूत प्रेत वगैरह खेलना वगैरह जिस पे हम विश्वास नहीं करते खास कर अंधविश्वास अंधविश्वास है बाकी ये सब का अपना अपना मानना है चलिए खैर कोई बात नहीं है हम लोग फिर आगे चलते हैं जो भी रहेगा आप लोगों को दिखाएंगे हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए लोग तीनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो डालने भी
हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो, और वीडियो सब्सक्राइबर बढ़ जाना चाहिए वीडियो को। कर दिया है भैया, कर दिया है। तो चलिए बाबा भैरवनाथ का दर्शन करके हम आ रहे थे, तो रास्ते में काजरी हो रहा था सावनी, जो कि अब सीजन चल रहा है सावन में काजरी वगैरह होगा ही। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हम सोचे चलो जब आए हैं तो वहाँ भी देख लेते हैं क्या माहौल है। आइए बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ भी लोकेशन थोड़ा अच्छा है, आए पर घूम के पूरा आप लोगों को दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आइए बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं बाकी की चीज़ें। आए तो थे तरसे जी राम, आए तो थे कजरी को शूट करने, आए भैया एक मिनट रुकिए, आए तो थे कजरी शूट करने और गाने भी, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि भगवान खुश हो गए, भगवान खुश हो गए हैं और पानी बरसने लगा धीरे धीरे। तो फिर से यहीं पे अपने ब्लॉग को रोकते हैं, बाकी आगे देखते हैं कैसे क्या होता है और आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो आइए हम लोग अभी आए हैं होटल में, पूड़ी और सब्जी खा रहे हैं क्योंकि बहुत दूर मतलब ढाबा टाइप है, थोड़ा सा छोटा सा स्वीट की दुकान है, वहाँ पर आए हैं हम लोग, नाश्ता कर रहे हैं पूड़ी और सब्जी का। और हम आते वक्त आप लोगों को नहीं दिखा पाए, बहुत बारिश हो रही थी, मोबाइल भीगने की वजह से हम नहीं दिखा पाए। भैया है पूरी सब्जी, भैया किसान एक पूरी गेहूँ एक आलू टमाटर सब्जी अंदर ना खा रहे हैं भैया, हम लोग हमारा भी खाना रखा है तो हम भी खाएंगे, और आप लोग और भी चीज़ें छोटा छोटा अरे छोटू सबके दिया है ताकि ताकि आप लोग चल जान सके हम क्या कर रहे हैं, हालांकि वीडियो बाहर का नहीं दिखा पाए। एक दो आप लोग लगे रहिए, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था कि हमने खाना वाना खा के फिर चले गए थे, लेट गए थे रात में, हर जगह का सिचुएशन नहीं होता दिखाने के लिए तो हम लोग आपको दिखा नहीं पाते हर चीज़ें। तो रात में सोने के बाद फिर से हम दोबारा आए हैं यहाँ पे, कल रुके थे तो आए हैं यहाँ पे फिर से, हम जो जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर गंगा माँ का घाट है नदी का, वहाँ पे नहाने के लिए आए, फिर यहाँ से नहा के जाएंगे, फिर से देवी मैया का दर्शन करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे, फिर ख़रीदारी करेंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए। तो इस हम लोग वहाँ से अपने रूम से लगभग 2:30 बजे निकल दिए थे, हाँ 2:30-3 बजे निकल दिए थे, यहाँ आने में जो समय लगा अभी इस समय 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो हम लोग नहावा चुके हैं और हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम नहा रहे थे, और संजय भैया यहाँ थे और कमलेश भैया भी नहा चुके हैं, हम दोनों लोग नहा चुके, संजय भैया नहा रहे हैं, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भीड़ है, और कल भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आज भी बहुत भीड़ है। तो यही आप लोग को और क्या दिखाएं, फिर आगे चलेंगे तो और भी चीज़ें दिखाएँगे आप लोगों को। आपने खुद देखिए इतना भीड़ है यहाँ पे, थोड़ा सा लाइटिंग पे थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था उतना टाइट नहीं है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दिखाने में। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, बैक कैमरे से दिखाते हैं बाकी की चीज़ें। तो भैया एकदम बढ़िया लग रहे हैं,
गंगा नदी में नहा के आ रहे हैं हम लोग। और देखिए भैया, तो हम लोग गंगा नदी में नहा के आ रहे हैं और अब जाएंगे हम लोग दर्शन करेंगे, ठीक है माता जी? हाँ, माता जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ से तब निकलेंगे घर के लिए। हाँ, दो दिन हो गए हम लोगों को आए हुए और बहुत आनंद आया भाई यहाँ आके। कमलेश भैया की निगरानी में हम लोग आए थे और बहुत अच्छा लगा। निर्मोही भैया भी हैं, बहुत खुश हैं, ये भी बहुत खुश थे। चलिए आइए आइए भैया आइए। तो बाकी की चीज़ें आप लोगों को ऐसे दिखाते रहेंगे हम। अभी हम लोग लगभग 4:30 बज रहे होंगे, अब जा रहे हैं। 2 बजे आए थे भाई? हाँ, 2 बजे आए थे हम लोग रात में गंगा जी के दर्शन करने। तो चलिए आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए हमारे वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी। तो बहुत अपरंपार भीड़ है, कल से ज़्यादा हमें ऐसा लग रहा है कि आज भीड़ है। आज तो बहुत भीड़ है और आज तो हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा हमें वहाँ पहुँचने में और दर्शन करने में माता जी का। खैर कोई नहीं, 5 बजे 2 बजे रात से ही चल रहे हैं हम लोग दर्शन पाने के लिए। तो करेंगे ही, करके जाएंगे। अभी 5:15 हो रहे हैं सुबह के, देखिए अब कब होता है लास्ट में दर्शन। नहीं कुछ तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग ही जाएंगे, इतना भीड़ है। आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं, कई बार तो आगे से देखने के लिए इतना घर पीछे है हमारे, मतलब पीछे है इतने लोग, दिख भी नहीं रहे हैं हमारे लोग पीछे हैं, ठीक। बाकी आगे लोग, आगे कितने लोग भैया भैया देखिए आगे कितने लोग हैं, वो भी चाहते हैं। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए कितनी बड़ी लाइन है, और लाइन कहाँ है, सब लाइन है, भीड़ है, लाइन नहीं है, भीड़ है, भीड़ 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 लाइन नहीं है चारों तरफ से, बाप रे। जाता है निकला था दादा, इतना भीड़ भाड़ है तो थोड़ा ही हो पा। भीड़ बहुत ज़्यादा, हम लोग 2 बजे रात से उठे और अभी तक माँ का दर्शन नहीं पाए। सर्दी पकड़ लिए बा, चेहरा देखा था, सर्दी बहुत तगड़ा पड़ा भैया। आगे आगे दिखा, देखिए माँ के भक्तों का भीड़ कितना है, माता दरबार बस थोड़ी दूर है लेकिन इतना भीड़ है। इतना दूर पहुँचने में करीब 1 घंटा लग जाएगा, हम लोग लगता है सर। मैं भीड़ दिखा रहा हूँ, और बहुत अच्छा हो गया दर्शन। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा लेट जरूर हुआ लेकिन अच्छा दर्शन हो गया दोनों दिन। तो अब बस चलते हैं हम लोग, अब निकलेंगे घर के लिए। बाकी जो चीज़ें हैं आप लोगों को दिखा, हाँ देखते रहिए, दिखाएंगे। और आप भी आइए कभी मौका मिले तो कड़े शीतल धाम में दर्शन करने के लिए, बहुत आनंद आता है। माता रानी खाना हो भैया ना, संजनी मोही जंक्शन पे आ जाना, गुलजारगंज माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें और करेंगे। आप लोग एक बार जरूर आइएगा यहाँ पे दर्शन करने के लिए और उम्मीद है कि जरूर मनोकामना पूरी होगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। अंतिम वीडियो है और अंतिम वीडियो अभी नहीं है, अभी जब भी अब अंतिम वीडियो है दरबार का, अंतिम वीडियो आएंगे। हाँ साल बुलाएगी, अब निकलेंगे यहाँ से तो लास्ट वीडियो। तो हम लोग जा रहे थे तो भैया ने एक दुकान देखा और बोला चलो 16 समोसा खाते हैं। तो हम लोग 16 समोसा भी खा रहे हैं। कमलेश भैया तो ऐसा खाते मालूम पड़ा तो हम पाए जुड़ा ना देते। संजय भैया है, भूख लगा रहा है, काल शाम खा रहे हैं उसे, थोड़ा पूरी और सब्जी खा रहे हैं। हमारे बिना भात इस पे 8 घंटा वाले खाए, बताओ कैसे जी रहे माने। दोनों गुड़वा प्रिया ले भाई, दवाई ले तो नाश्ता के बस दवाई खा लीजिए ना। चलो ठीक भैया, आप सब इस ब्लॉगिंग प्रकार बना रहे हो, चैनल और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए दर्शन वर्शन सब हो गया और सब कुछ चीज़ें सब कुछ चीज़ें सामान वामान पैक करके हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं। अब यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर जाएंगे, वहाँ पे बस खड़ी है, उस पर बैठेंगे। रामपुरी लिए हैं भैया, निकालो उसको निकालो, प्रशासन घर पे छापा मार देंगे। तो आइए आप लोग बस
ब्लॉग में बने रहिए। अब लगभग लास्ट खेल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, बस पे बैठेंगे, उसके बाद ब्लॉग को समाप्त करेंगे, आप लोगों से विदा लेंगे। आज आप लोगों को दिखाते हैं, आज नॉर्मल गाड़ियों खिलाएं, जबकि पूरा काफ़ी मेले के लोग चले गए होंगे, लेकिन फिर भी गाड़ियों की लाइन हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। और देखा कुछ गाड़ी है भैया, ये सब गाड़ियाँ ठीक है, सब गाड़ी है, काफ़ी गाड़ियाँ चली भी जा चुकी हैं। बस गाड़ी ही गाड़ी, आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ दूर दूर तक खड़ी हैं गाड़ियाँ, जबकि काफ़ी मेला यहाँ से निकल चुका है, फिर भी। हाँ दोस्तों, आज हम निकल गए हैं, अब यहाँ से निकले हैं, अब घर की तरफ, घर के लिए निकले हैं। और ये देखिए हमारी बस है, कितने यात्री है, यूट्यूब पे। हाँ दुर्गालाल भाई, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि अब अगर संभव हो सकेगा तो बीच में आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाएंगे, नहीं संभव होगा तो यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप तो। भैया हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो कुछ यात्री लोग बोले कि देखिए भैया हमने गंगा जल नहीं भरा है, तो हम लोगों ने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, रास्ते में आ रहे थे तो गंगा मैया की नदी मिल गई। उसके बाद हम लोग डिब्बा लेकर मतलब बॉटल को लेकर चले आए हैं भरने के लिए। तो आइए, इतना मतलब तेज़ी से बहाव है नदी का, अगर शायद कोई इसमें जाएगा तो शायद बह जाएगा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, मानो इस दृश्य देखने के लिए हमारे नैन कब से तरस रहे थे। और ये देखिए संजय भैया भर रहे हैं, ये दुर्गालाल भाई, सब लोग आ चुके हैं मैदान में फील्डिंग करने, तो कमलेश भैया वीडियो बना रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं। और अरे यार भरता नहीं है, भरा यार हिस्से इतना बड़े, बोलिए आज यार रच के दाम भाई खाल ना है का भाई। हर हर महादेव भैया, हम संजय निर्मोह आप सबके पैर छू के प्रणाम करत बानी भैया। अगर हम भाई खड़ा है भरत बानी, देखता भौकड़ी याद बड़े के, अगर हम भाई लागे तो जा जिन में हिस्से कौन जरूरी को बच्चे जब जा रहा ना जादी के जाबे, अब खींचे भैया अरे बड़े भाई भर जाते चलो हो राइटर सिंगर एक्टर निर्मोही कॉमेडी जंक्शन के आन मान शान हमारे दुर्गालाल भाई। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं खुद ही जो बोल रहा हूँ संजय निर्मोही, आप सबका छोटा भाई, और ये हमारे भाई उम्र में तो हमसे बहुत छोटे हैं लेकिन कलाकारी में बहुत बड़े हैं, और जबकि आप लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, दुर्गालाल किसी के नाम के मुस्ताद नहीं है, किसी गुलाम नहीं है, और नहीं ये है राइटर बस मेहरारू गुलाम है, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, और हमारे निर्मोही कॉमेडी जंक्शन के आन मान शान हैं। निर्मोही म्यूजिक लाइव का लगभग इनका 80% गाना आता है, और ये हमारे कमलेश सोनी जो कि हमारे आन मान शान संजय निर्मोही की जान। संजय भैया हमें फोकस करिए अभी, हम थोड़ा सा ना अच्छा, और ये हमारे मित्र हैं, 10 मिनट और बैठे उन्होंने बाबा सर कुछ बोलना चाहेंगे बोलिए भाई। भैया आप उन्हें ना फोकस करके हमें फोकस करिए। ओके सर, गंगा नदी इलाहाबाद, हर हर महादेव, जय गंगे। और हमारे कमलेश भैया दोनों साथ में एंजॉय कर रहे हैं, और नदी में घुस के देखिए कौआ नहावन कर रहे हैं,
कौआ नहावन आप लोग को भी नहाना हो तो आ जाइए। अब हमें कैमरा पकड़ा दिया ना, बुरा लोग स्नान करे थे भैया का करिए ये चल आप चलो निकल जाए ढक्कन बंद कर मुँह ले चले बंद कर दिए। हाँ काट रास्ते में आ रहे थे बहुत जोर से भूख लग गई थी तो सभी लोग संजय भैया होटल में रुके खाना खाए कमरे तो भैया नहीं खाए उसको खीर खाए भैया है सोनी भैया और प्रिंस तो हम सभी लोग खाना खा रहे हैं फिर आगे कुछ और दिखाते हैं आप लोगों को आप लोग ब्लॉग में हमारे पहले।